हर हर महादेव, हर हर नर्मदमय। सो दोस्तों, अभी सावन का महीना चालू है तो हम लोग जाने वाले हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए और नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए। तो देखो, एक फटफट पे हम लोग 3.5 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सॉरी। तो इस वीडियो को सिर्फ महादेव की भक्ति देखें, नर्मदा मैया की भक्ति देखें, क्योंकि अब हम इस ब्लॉग में जाने वाले हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। तो देखते रहे हमारे वीडियो में। देखो, ये तो मैं हूँ और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। फटफट पे बैठे हैं अमित, ये सुमन और ये रोड पे खेल रही खुशी। ए खुशी, चलो दोस्तों, हम लोग लेके जाने वाले हैं नर्मदा मैया के घाट पे और शिव जी के मंदिर पे। चलो तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं शिव जी के मंदिर। यहाँ पर कुछ सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, इसके बाद में ऊपर शिव जी का मंदिर है। थोड़े ऊपर यहाँ से दिख रहा होगा शायद, थोड़ा थोड़ा पहले वाइट वाइट। ऐसा अभी हम लोग पूजा पाठ करके शिव जी के मंदिर से अभी निकल रहे हैं नर्मदा मैया के यहाँ। ये रहे नर्मदा मैया, कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देख सकते हो। और यहाँ चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पर ये इन लोगों को रहने का है, पंडित लोगों का। और इस साइड का व्यू देख सकते हो, कितना मस्त लग रहा है। दोस्तों, ये छोटी सी नदी पहाड़ों से होती हुई नर्मदा जी में आके मिलती है, देख सकते हो। यहाँ पर कितना अच्छा झरना बह रहा है, आगे मैं उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ज़्यादा जूम नहीं होगा, नहीं तो पिक्सल पड़ने लगेगा। तो अभी आ चुके हैं फाइनली नर्मदा जी के घाट पर। यहाँ पर PM आए थे नरेंद्र मोदी जी, उनका स्टेचू लगा हुआ है बैनर। इरा घाट पे जाने का रास्ता, पर अभी जाने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर मगर रहती है, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले जाने नहीं देते। खाली शाम को महाआरती होती है तभी जाने देते हैं। ये पहला रास्ता है नीचे घाट में जाने का। चलो तो मैं अभी ऊपर से दिखाता हूँ, मैं नीचे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मगर से मेरे लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये बैनर लगा हुआ है। नीचे जाना सख्त तो मना ही है वैसे तो। तो दोस्तों, देख सकते हो नीचे अपना मेन घाट है। यहाँ पर शाम को डेली महाआरती होती है,
जो कि अपने बनारस में होती है, हरिद्वार में होती है, जो आरती सात पंडित बैठ के आरती करते हैं वही आरती यहाँ से लेके वहाँ तक होती है ठिठकोने तक। पर अभी दिन में नहीं जाने देते क्योंकि मगर का डर रहता है ना, इस वजह से ये अपनी नर्मदा मैया है तो इस वजह से किसी को नीचे नहीं जाने देते। बहुत दूर दूर तक देखो, जहाँ तक भी देखो वहाँ से ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरात में आई है नर्मदा जी। अभी मैं हूँ स्टेचू ऑफ यूनिटी। यहाँ का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं मेरे लिए। आप भी नर्मदा मैया के शिव जी के भक्त हैं क्या? हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट्स में। और अगर आपके लिए माँ आरती की वीडियो देखना है तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट्स करके और कुछ लोग ने फ़ोन करके बोला है कि भाई तुम लोग ने कॉमेडी वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं आती यूट्यूब पर तुम्हारी वीडियो। तो उनसे मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे जो साथ में काम करते थे वीडियो बनाते थे, तो उनने सभी ने मेरे साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो चल नहीं रही थी। उन लोगों को सब लोग टॉर्चर करते होंगे, उनके गांव वाले रिश्तेदार के, कितने टाइम से तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हारी वीडियो तो एक भी वायरल नहीं हो रही, तो हंसी उड़ाते थे। इस वजह से सभी ने मेरे साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया है, इस वजह से मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो आप सभी मेरे लिए सपोर्ट करें ताकि मेरा वीडियो एक वायरल हो जाए, इसके बाद में मैं कॉमेडी वीडियो पे डबल से आ जाऊँगा, सभी को मैं साथ में लेकर सबके साथ में वीडियो बनाने लगूँगा। चलो जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।